क्या कर रहे हो तुम? घास चोरी कर रहे हो तुम? नहीं नहीं भाई, हम घास चोरी नहीं कर रहे। तो तुम घास नहीं चोरी कर रहे तो और क्या है ये? हम चोरी नहीं कर रहे साहब जी, हम चोरी नहीं कर रहे। चलो तुम मेरे साथ, तुम्हें मालिक के पास लेके चलता हूँ। हम चोरी नहीं कर रहे। बेवकूफ, सुन लिया तुमने? ये भी घास काटा है तुमने? उठाओ इसको, अभी उठाते हैं, अभी उठाते हैं साहब। चलो मेरे साथ। हमने चोरी नहीं की, छोड़ दो हमें, हमें छोड़ दो। चलो तुम, तुम्हें मालिक के पास लेके चल रहा हूँ मैं। हमें छोड़ दो, तुम चलो। मालिक, इनको मैंने रंगे हाथों पकड़ा है, ये अपने रकबे से घास चोरी कर रहे थे दोनों। इनकी इतनी जुरत, ये मेरे रकबे से घास चोरी करें? तुम जाओ, मैं इनको देख लेता हूँ अभी। जी मालिक। खड़े हो जाओ तुम दोनों। हाजी साहब, हमने चोरी नहीं की। जबान दराजी करने की जरूरत नहीं है। अभी तुम दोनों का मैं बंदोबस्त करता हूँ, अभी करता हूँ कॉल पुलिस को। हाजी साहब, हमने मजबूरी में ये काम किया, हम चोर नहीं है। ये अपनी मजबूरियां वगैरह जाके पुलिस को बताना, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हाजी साहब, यकीन करें हमारा, हम चोर नहीं है, हम मजबूर थे। तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा इसने? हाजी साहब, यकीन करें हमारा, हम चोर नहीं है। बात तो सुने, हमारी कुछ मजबूरी थी। क्या मजबूरी थी तुम दोनों की? हाजी साहब, हम मजबूर हैं, हम चोरी नहीं करना चाहते थे। मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, आप हमारे इलाके के बड़े हैं। आपने ये जानने की कोशिश की कि आपके इलाके के गरीब लोग किस हालात से गुजर रहे हैं? मैं बेरोजगार हूँ, मेरे पास काम नहीं है, जहाँ जाता हूँ मुझे काम नहीं मिलता। हाजी साहब, हम तो जैसे कैसे भूख बर्दाश्त कर रहे हैं, मेरे बच्चे भी छोटे छोटे बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन वो बेजुबान जानवर भूख से बिलक रहे हैं। मैं, मुझसे वो देखा नहीं जाता, मैं अब इसलिए मजबूर होकर मैंने ये सिर्फ घास ही तो चुराया है, क्या इंसान घास खाते हैं? हाजी साहब, अगर अब भी आपको लगता है कि हमारा कसूर है, कि हम चोर हैं, हम चोरी की है हमने, तो हमें जो सजा देंगे हमें कबूल है। ये घास उठाओ यार, तुम जाओ यार। बहुत शुक्रिया हाजी साहब आपका। सच ही कहते हैं कि चोर पैदा नहीं होते, बनाए जाते हैं। हमें चाहिए कि हम अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, ताकि कोई भी इस नौबत तक ना पहुंचे।